क्या आपको मालूम है कि बियर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है, लेकिन उनकी बहन लारा उनको बियर कहके बुलाती थी बचपन से ही, जिस वजह से फ्रेंड सर्कल में उनका नाम बियर ग्रिल्स ही फेमस हो गया, जिसके बाद में यही नाम आज उनकी पहचान बन चुका है। आज बियर ग्रिल्स के ही कुछ फैक्ट जानने वाले हैं जो शायद आपको ना मालूम हो और शायद कुछ जनों को मालूम हो, लेकिन फिर भी मेरा काम बताना है तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बियर ग्रिल्स के फादर यूके के पॉलिटिशियन थे और पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उनका नाम था सर माइकल ग्रिल्स, जो कि काफ़ी एडवेंचरस भी थे। वो ट्रैकिंग पर भी जाते थे, क्लाइंबिंग पर भी जाते थे, इसी के साथ साथ सेलिंग पर भी जाते थे, जिनके साथ में बियर ग्रिल्स ने भी जाना शुरू कर दिया था। और उनकी आदत ये बचपन से ही लग गई थी, इसी वजह से वो इतने ज़्यादा एडवेंचरस बन गए थे। बियर ग्रिल्स को कराटे भी आता है और उन्होंने सेकेंड डैन ब्लैक बेल्ट भी ले रखी है इसमें। उनको माउंटेन क्लाइंबिंग का भी शौक था, इसी वजह से उन्होंने अपने कॉलेज ईटन में वहाँ का पहला माउंटेनियरिंग क्लब भी खोला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हुए। इसके बाद में उन्होंने हिस्पैनिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जिसके बाद में उन्होंने SAS आर्मी ज्वाइन कर ली। इसमें उन्होंने 1994 से लेकर 1997 तक सर्विंग करी, जिसमें उन्होंने अनआर्म कॉम्बैट सीखे, डेजर्ट में सर्वाइवल करना सीखा, विंटर में सर्वाइवल करना सीखा, और इसी के साथ साथ माउंटेन क्लाइंबिंग सीखी, पैराशूटिंग सीखी, और वो बन गए एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर। लेकिन एक बार 1997 में फ्री फॉल करने के दौरान उनका पैराशूट ठीक ढंग से नहीं खुला, जिसकी वजह से वो उलझ गए, और उलझने की वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिरे, जिसकी वजह से उनके कंधे में चोट आई और उनकी हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर्ड हो गई। अब डॉक्टर ने उनका इलाज करने के दौरान ही उनको ये कह दिया था कि अब वो अगर ऐसा करेंगे तो वो पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक साल तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उनका ये आर्मी का कैरियर यहीं ख़त्म हो गया था, उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी मजबूरन। लेकिन डॉक्टरों की बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने 1998 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का ठान लिया, और तब उनकी एज थी 23 साल। उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर बन गए। इसी के साथ साथ उन्होंने आमा डेबलम नाम का भी एक माउंटेन क्लाइंब कर दिया, जिसको एडमन हिलरी ने भी कह रखा था कि ये अनक्लाइमेबल है, और इसके साथ ही वो बन गए यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ आमा डेबलम। और इसके बाद में उन्हें 2004 में ऑनरी रैंक दे दिया गया लेफ्टिनेंट कमांडर का इन रॉयल नेवी रिजर्व। अब यहीं पर बियर ग्रिल्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था, 1 घंटे 36 मिनट का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस इंडोर फ्री फॉल, जिसमें उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड ज्यादा करते हुए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे बना रखा था एक US की टीम ने, जिसको बियर ग्रिल्स ने तोड़ा था। और ये रिकॉर्ड उन्होंने एक चैरिटी के लिए बनाया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस फैलानी थी कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाने का तय किया था। इसी के साथ साथ 2007 में बियर ग्रिल्स ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो था पैरा मोटरिंग करने का। 6102 मीटर की हाइट का पहला रिकॉर्ड था, और उन्होंने वो तोड़ के 9000 मीटर हाइट तक पैरा मोटरिंग करी थी, जहाँ पर करीब -60 सेल्सियस तक का टेम्परेचर था। अब वो ऐसा करना चाहते थे कि वो माउंट एवरेस्ट को साउथ से जाकर नॉर्थ की साइड से पार करना चाहते थे, लेकिन ऐसे करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि नॉर्थ साइड चाइनीज टेरिटरी में पड़ती है, और इसी वजह से वो चाइनीज एयर स्पेस को वॉयलेट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका बनने से रह गया था, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट पैरामोटरिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था यहीं पे। बियर ग्रिल्स के नाम पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो है हाईएस्ट ओपन एयर डिनर करने का, जो उन्होंने किया था 7600 मीटर की ऊंचाई पे, वो भी हवा में रह के, जिसके लिए उन्होंने मदद ली थी हॉट एयर बलून की, और वहां पर उन्होंने नीचे कुछ तारे वारे से लगा के एक बेस बना लिया था, जहां पे उन्होंने एक डाइनिंग टेबल रखी थी और चेयर रखी थी, जहां पे बैठ के उन्होंने डिनर किया था। अब तक बियर ग्रिल्स ने करीबन 3.5 मिलियन की चैरिटी करवा दी है, जिसमें उन्होंने एक और एडवेंचर किया था आर्कटिक सर्कल को पार करने का। इसमें 4 मेंबर की टीम थी जिसके साथ में उन्होंने ये चीज करी थी, जहां पर बहुत ही मतलब एकदम रिमोट एरिया है, और इसी के साथ साथ यहाँ की जो माउंटेन पीक्स है वो एकदम अनक्लाइमेबल है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया जिसके दौरान इनको चोट भी आई थी। तो आपको यहाँ पे लगता होगा कि बहुत हो गया, लेकिन लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2003 में उन्होंने अटलांटिक ओशन भी पार किया था, वो भी एक ओपन बोट में। बियर ग्रिल्स ने एक बार द ग्रेट सनसेक्स बाथ रेस में भी हिस्सा लिया था, जहाँ पे बाथ टब की नाव बनाकर चलाया जाता है और रेस लगाई जाती है। यहाँ पे बियर ग्रिल्स ने ये रेस पूरे नंगे होकर करी थी, क्योंकि उनके फ्रेंड की टांग चली गई थी एक क्लाइंबिंग डिजास्टर में, जिसकी वजह से उन्हें फंड रेज करना था, तो इसकी वजह से ये उन्होंने फंड रेजिंग के लिए
किया था। बेयर ग्रिल्स काफी वक्त तक इंडिया में भी रहे थे और वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर ले ताकि वो हिमालय के रीजन को अच्छी तरीके से डिस्कवर कर ले और तरह तरह की चोटियों को क्लाइम कर लेते वो आराम से, क्योंकि इंडियन आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशन होते हैं जिसमें मिशनों पे भेजा जाता है जहाँ पर माउंटेन क्लाइम करने होते हैं। तो वो ऐसा करना चाहते थे लेकिन उनको ज्वाइन करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी होता है। एक वक्त था जब बेयर ग्रिल्स का शो मैन वर्सेस वाइल्ड पूरे अमेरिका में नंबर वन पे चल रहा था और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में इसको 1.2 बिलियन की व्यूअरशिप मिल रही थी। 2009 में स्काउट एसोसिएशन ने उनको चीफ स्काउट बना दिया था जब उनकी एज सिर्फ 35 ही थी और ऐसा करने पर वो बन गए थे यंगेस्ट चीफ स्काउट, जिससे वो दुनिया भर के स्काउट के रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। तो ये थे कुछ बेयर ग्रिल्स के अननोन फैक्ट। हालांकि बेयर ग्रिल्स का शो आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, जहां पर आपको बेयर ग्रिल्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल गई होगी और काफी आपने चीजें भी सीखी होगी कि किस तरीके से सर्वाइवल करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इसी तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।